डेजर्ट ईगल इससे हर कोई हेडशॉट मारना चाहते हैं, बट कुछ ही लोग हेडशॉट मार पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास एक बेस्ट सेटिंग होता है और साथ में उनको सही ट्रिक भी पता होता है। तो अगर आप भी डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो। मैं आपको बेस्ट सेटिंग तो बताऊंगा ही और साथ में बेस्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आपका डेजर्ट ईगल का हर एक गोली एनिमी का हेड के ऊपर जाकर लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग के बारे में। तो देखो, आपको हर एक यूट्यूबर बताता होगा कि डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारने के लिए आप जनरल सेंसिटिविटी को 100 रखो, बट क्या सिर्फ जनरल सेंसिटिविटी को 100 रखने से हेडशॉट लग जाएगा? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि हर किसी के पास अलग अलग फोन होता है और अलग अलग फोन पर अलग अलग सेंसिटिविटी वर्क करता है। अगर आप हाई एंड डिवाइस में जनरल सेंसिटिविटी को 100 पर रख कर खेलोगे तो आपका हेडशॉट तो छोड़ो बॉडी शॉट भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने अलग अलग रैम वाले फोन पर गेम प्ले करके कुछ सेंसिटिविटी सिलेक्ट किया है, आप इनको ट्राई कर सकते हो। तो ओके, आपको सेंसिटिविटी मिल गया है, बट फिर भी अगर आपका ये सेंसिटिविटी वर्क नहीं करता तो आप लोग यह वाला वीडियो को जाकर देख लेना, आपको बेस्ट सेंसिटिविटी मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं कस्टम HUD के बारे में। तो कस्टम HUD पर आपको ज्यादा कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्विक वेपन स्विच को आपके हिसाब से सेट कर देना, क्योंकि डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारने के लिए क्विक वेपन स्विच बहुत ज्यादा काम आता है। तो अगर आप क्विक वेपन स्विच को यूज नहीं करते हो तो मत करो, बट इसको यूज करने से हेडशॉट थोड़ा ज्यादा लगता है। तो अभी बात करते हैं फायर बटन के बारे में। तो देखो, हेडशॉट मारने के लिए फायर बटन का पोजीशन बहुत ज्यादा करता है, इसलिए आपको फायर बटन को हमेशा इस पोजीशन में रखना है, क्योंकि यही फायर बटन का बेस्ट पोजीशन है। तो अगर आप फायर बटन को अलग पोजीशन में रखते हो तो ट्राई करना थोड़ा नीचे रखने का। और फायर बटन का साइज का बात करो तो आप लोग 2GB 3GB रैम फोन में फायर बटन को 40 पर रख देना, और 4GB रैम फोन में 42 पर रख देना, और 6GB रैम फोन में 45 पर रख देना, और बाकी सब 45 से 52 के बीच में रख सकते हैं। तो ओके, आपको सेटिंग मिल गया है। तो अभी बात करते हैं आपको डेजर्ट ईगल से हेडशॉट कैसे मारना है। तो देखो, डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारने के लिए आपका एम फ्री होना चाहिए। तो इसलिए आप अगर शॉर्ट रेंज में हो तो आपको एम को वाइट रखना पड़ेगा और एनिमी का पैरों के नीचे रखना पड़ेगा। आप चाहो तो इस साइड भी रख सकते हो, उस साइड भी रख सकते हो। और अगर आप लोग लॉन्ग रेंज या मिड रेंज में हो तो एम को यहाँ पर रख देना, क्योंकि यहाँ पर रखने से हेडशॉट थोड़ा ज्यादा लगता है, और मैं भी एम को यहाँ पर रखता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि आपको एम को कहां पर रखना है। तो अभी मैं आपको बताता हूं आपको ड्रैग कैसे करना है। तो मैं आपको हैंड कैम के साथ ड्रैग करना सिखाऊंगा, तो इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो आपको एम को इस साइड रख देना है, और इस साइड आपको रोटेशन ड्रैग करना है, मैं जैसे दिखा रहा हूं ठीक वैसे। और इतना करने के बाद आपका डेजर्ट ईगल से हेडशॉट लग जाएगा। और एक बात ध्यान में रखना, एनिमी जितना क्लोज रेंज में रहेगा आपको इतना फास्ट ड्रैग करना है, और जितना लॉन्ग रेंज में रहेगा उतना स्लो ड्रैग करना है। तो ट्रिक और सेटिंग को यूज करो, डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारो। हाँ, और एक बात, बेस्ट DPI के ऊपर वीडियो आ चुका है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो क्लिक करो, वीडियो देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।